देखिए अमित शाह का काफिला हम आपको दिखा रहे हैं, बड़ी खबर, पल पल की जानकारी, पल पल की खबर, सबसे पहले सबसे तेज आज तक पर। और ये वही तस्वीरें हैं, अमित शाह का काफिला ये बंगाल दौरे पर हैं, दो दिन के दौरे पर हैं अमित शाह। ये दौरा काफी महत्वपूर्ण है अमित शाह का, और ये सीधी तस्वीरें आज तक पर हम आपको दिखा रहे हैं। अमित शाह न सिर्फ दो मंदिर में यहाँ पर जाएंगे, बल्कि जो संदेश बीजेपी की तरफ से लगातार दिया जा रहा है बंगाल की लड़ाई में, वो संदेश ये कि बहुत सारे टीएमसी के नेता जो हैं वो बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। माँ सिद्धेश्वरी के मंदिर में अमित शाह, ये सबसे पहला, ये देखिए विक्ट्री साइन, और ये मीडिया को उन्होंने, मीडिया की तरफ इशारा करते हुए उन्होंने विक्ट्री साइन बनाया है अमित शाह ने। ये क्या संदेश है, ये क्या अमित शाह, देखिए आत्मविश्वास देखिए बीजेपी का यहाँ पर जबरदस्त है। और ये स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा जहां यहां पहुंचे हैं अमित शाह, और न सिर्फ अमित शाह बंगाल के दौरे, दो दिन के दौरे पर हैं, लेकिन अगले साल होने वाले पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के मद्देनजर अमित शाह ने अपने इस अभियान में युद्ध स्तर पर तेजी ला दी है। केंद्रीय मंत्रियों और केंद्रीय नेताओं को विभिन्न मोर्चों पर उन्होंने तैनात कर दिया है। 7 संसदीय क्षेत्रों की जिम्मेदारी एक कोर टीम बनाकर उन्होंने दे दी है। और ये जो आज अमित शाह के साथ बीजेपी के तमाम महारथी हैं वो मैदान में उतरेंगे, और ये वो तस्वीर महत्वपूर्ण है कोलकाता में, जहां इस समय अमित शाह ने देखिए पुष्प अर्पित किए हैं। और अमित शाह का ये दौरा काफी महत्वपूर्ण इस बात को लेकर भी होता है, और विक्ट्री साइन दिखाया है उन्होंने आज बस अब से कुछ ही देर पहले। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल के दो दिन के महत्वपूर्ण दौरे पर कोलकाता में इस समय है, रात में ही पहुंच गए थे। बंगाल में राजनीतिक उठापटक के बीच अमित शाह का यह दौरा काफी महत्वपूर्ण है। इस दौरे में अमित शाह बंगाल की जनता से संवाद करेंगे। टीएमसी के असंतुष्ट कई नेताओं के बीजेपी में शामिल होने की खबर, अब हम कहेंगे कि खबर नहीं है, बीजेपी के नेताओं ने अब से कुछ देर पहले कैलाश विजयवर्गीय ने इस बात को साफ तौर से कह भी दिया है कि टीएमसी के लगभग 10 विधायक, एक सांसद और कई सारे नेता, पंचायत स्तर के जो नेता हैं वो शामिल होने जा रहे हैं। आइए एक बार फिर से हम आपको जयंतो घोषाल जी, वरिष्ठ पत्रकार के पास लिए चलते हैं। जयंतो जी, आपकी बात अधूरी रह गई थी, हमें ब्रेक लेना पड़ा था। अमित शाह आते हैं और विक्ट्री साइन दिखाया है उन्होंने जयंतो सर, और वो भी एक मुस्कान के साथ, क्या कहेंगे आप? देखिए अमित शाह जी जो इलेक्शन स्ट्रैटेजी लेते हैं ना, आप आज के जो कार्यक्रम है उसको अगर देखेंगे, जैसे सिद्धेश्वरी मंदिर जाना, सिद्धेश्वरी मंदिर बेसिकली माँ काली का एक रूप है, और दुर्गा काली सिद्धेश्वरी ये जो लोकल जो मतलब आम जनता है, और वो आम जनता जहां पूजा देने के लिए डेली जाते हैं वहां जाना, मतलब वहां जो जनता है उसके साथ इमीडिएट अमित शाह जी कनेक्ट कर रहे हैं। दूसरी बात है, देखिए विवेकानंद जी का जो प्रतिमा, फिर खुदीराम बोस जो वहां जो जिला है मिदनापुर, और वहां खुदीराम बोस का जैसे फांसी हुई थी, आज भी वो एक लड़ाई के सिंबोलिज्म है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि ये एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है जो अमित शाह जी ने चुनाव के पहले ही एक परसेप्शन क्रिएट कर रहे हैं, भाजपा क्रिएट कर रहे हैं कि तृणमूल तोड़ रहा है। फिर देखिए जो लोकल जो हिंदू फीलिंग है उसको देखिए, ये वहां जाके जय श्री राम नारा नहीं लगा रहे हैं जी। वहां जो लोकल हिंदू पॉपुलेशन है, वो जो पॉपुलेशन जिसके लिए वर्शिप करते हैं, पूजा करते हैं, उसके साथ अपने आप को कनेक्ट करना बहुत चतुरता के साथ, एकदम राजनीतिक जो कुशली है। लेकिन मैं ये कहूंगा, जो आप सवाल कर रहे थे कि कितने लोग जाएंगे, उसमें ममता बनर्जी के कैंप का भी एक एनालिसिस है कि तृणमूल कांग्रेस जनता पार्टी बन गया है, मतलब जो अपमानित तृणमूल का पार्टी भाजपा क्यों बन रहे हैं, भाजपा का अपना वर्कर्स कहां है। तो ये भी एक सवाल है जो ममता बनर्जी कोशिश कर रहे हैं
कि एक लीडर का मतलब आम जनता नहीं है। शुभेंदु अधिकारी ममता बनर्जी के अम्ब्रेला के नीचे थे, अगर वो भाजपा में चले जाए, हर कंस्टिट्यूएंसी में 8 कंस्टिट्यूएंसी है पूर्व मेदिनीपुर में, वह मुस्लिम पॉपुलेशन है 20-25%, तो वो मुस्लिम पॉपुलेशन क्या कैलाश विजयवर्गीय और शुभेंदु अधिकारी को देख के बीजेपी को वोट दे देंगे? तो ये ममता बनर्जी का भी काउंटर स्ट्रेटेजी है। लेकिन मैं ये कहूंगा आज के दिन में अंसारी साहब, ये जो अमित शाह जी कर रहे हैं गजब है। कहां था बीजेपी पश्चिम बंगाल में? आज देखिए पश्चिम बंगाल में भाजपा मेन अपोजिशन बन गए हैं, कांग्रेस सीपीएम दिखाई नहीं दे रहा है, ये भी एक बहुत बड़ी सफलता है। लेकिन 3 एमएलए है असेंबली में, 300-200 करना ये भी इतना आसान नहीं है, जो मीडिया परसेप्शन उसको रियलिटी में ले जाने के लिए अभी भी बहुत काम करना पड़ेगा अमित शाह जी को। अंसारी साहब ठीक है जयंत, तो सर आपने 2-3 महत्वपूर्ण बातें यहां पर कह दी हैं। तौसीफ जी, अब तो आप मानेंगे कि आपके विश्लेषण को जयंत घोषाल साफ तौर से इनकार कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि एक का टूटकर भी जाना टीएमसी पर सवाल खड़े करता है, और ये जो लगातार एक बहुत आक्रामक रुख बीजेपी का दिख रहा है, तौसीफ जी क्या इससे टीएमसी को चिंतित होने की बात नहीं? नहीं, देखिए एक बात उन्होंने बताया कि आज अपोजिशन में नंबर 2 पार्टी उभर के आई है, और ये 2019 के इलेक्शन के रिजल्ट के बेसिस पे कह रहे हैं, 2016 के रिजल्ट के बेसिस पे नहीं। तो वो बात ठीक है कि हाँ बीजेपी ने तो यहाँ सीट जीता था, लेकिन उसके पीछे कारण ये है कि बीजेपी पावर में है सेंटर में, और सेंटर के जो जितने सारे जो इंस्टीट्यूशंस है वो उनके हाथ में है। तो अगर सीपीएम, क्योंकि मेन यहाँ पे अपोजिशन देखा जाए 2016 की तरह से, तो सीपीएम है और साथ में कांग्रेस है, तो हुआ यह है कि सीपीएम और कांग्रेस का वोट बैंक जो है वो शिफ्ट कर गया बीजेपी की तरफ 2019 के चुनाव में। लेकिन 2019 के चुनाव में एक और पता वो ये कि तृणमूल का भी वोट शेयर बढ़ा था, तृणमूल का वोट शेयर घटा नहीं था, भले ही बीजेपी ने अपना वोट शेयर बढ़ाया, लेकिन तृणमूल का भी 4% वोट शेयर बढ़ा था। ये 2019 का रिजल्ट के हिसाब से ही मैं कह रहा हूँ। अब आपको ये देखना है कि 2019 में पार्लियामेंट का इलेक्शन होता था, अभी जो है स्टेट असेंबली का इलेक्शन होता है, तो चीफ मिनिस्टर की कैंडिडेट ममता बनर्जी है तृणमूल से, बीजेपी की तरफ से चीफ मिनिस्टर का कैंडिडेट कौन है? बीजेपी का कैंप जो है वो डिवाइडेड है, पुराने बीजेपी कर्मचारी, आरएसएस वाले बीजेपी कर्मचारी और तृणमूल बीजेपी कर्मचारी। अब जो है वो ऐसा होता है कि हम आपकी बात जरूर सुनेंगे, लेकिन देखिए तस्वीरें इस वक्त थोड़ी सी बता दें और उसके बाद फिर जफर असलम के पास पहुंचते हैं। ये बंगाल के दौरे पर अमित शाह कोलकाता में श्री रामकृष्ण मिशन आश्रम में हैं। आपने इससे पहले तस्वीर देखी, स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया था। ये कोलकाता में श्री रामकृष्ण मिशन में अमित शाह इस वक्त मौजूद हैं, पूजा वहां पर चल रही है। जय श्री गुरु महाराज की जय, जय। और इस समय रामकृष्ण मिशन आश्रम में ही मौजूद